हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज जश्ना प्रजापति एंड वेलकम टू माय चैनल टुडे वी आर गोइंग टू डू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटेजर्स फॉर ग्रेट सेवन सो व्हाट आर इंटेजर्स लेट्स अंडरस्टैंड इंटेजर्स आर स्पेशल सेट ऑफ नंबर्स कंप्राइजिंग जीरो पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स अब ये होते क्या हैं ये हम देखेंगे अभी आगे चल के वीडियो में बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड हम इंटेजर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हमारे इंटेजर्स को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल है उसे हम कहते हैं Z। तो जब भी हमको इंटेजर्स का कोई भी वैल्यू लिखना हो हम उसको लिखेंगे Z equals to minus one, minus two, या फिर जो भी आपका नंबर हो वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे गोरेट चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे इंटरजर्स कितने तरह के होते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरजर्स आर देर देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंटरजर्स बेसिकली पहला है हमारा जीरो सेकंड है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स जिसको हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा जो नंबर्स हमारे वन से स्टार्ट होकर टू थ्री एंड सो ऑन इंफिनिटी तक जाते हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स दिस इज द थर्ड काइंड ऑफ इंटीजर व्हिच इज नेगेटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स को एक और नाम दिया गया है इसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स मतलब एडिटिव इनवर्स किसका नेचुरल नंबर्स का अगर वन है तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस वन भी हमारा इंटेजर ही होगा राइट right? सो so, ये हमारा थर्ड टाइप का इंटेजर है राइट ओके चलिए हम देखते हैं इंटेजर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ओके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमको नंबर लाइन बनानी पड़ेगी और उसका सेंटर क्या होगा हमारे नंबर लाइन का सेंटर होता है जीरो क्या होता है जीरो अब हमारा जो राइट right साइड होता है वहां पे हम अपने पॉजिटिव नंबर लिखते हैं जैसे कि वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन और लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव एंड सो ऑन ओके हमारे सेंटर में क्या आता है जीरो आता है ओके लेट्स गो हेड अब हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं बेटा हमारे पास चार तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशन हैं, जो कि है प्लस विच इज एडिशन माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और ये है चौथा हमारा डिविजन हम इन्हीं के ऑपरेशन को अरिथमेटिक ऑपरेशन कहते हैं और अब हम को देखेंगे इन टेजर्स में इसको कैसे अप्लाई करते हैं ओके फॉर दिस सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास सेम साइन का अगर हमको का एडिशन करना हो तो हम कैसे करेंगे हम एब्सल्यूट वैल्यूज़ जो भी नंबर है उसका हम स्ट्रेट अवे एडिशन कर देंगे और जो सिंबल है वो हमारे हायर नंबर के साथ जो भी सिंबल होगा हम उसको वहां पे लगा देंगे ठीक है चलिए देखते हैं अगर हमारे पास से फॉर एग्जांपल दो नंबर्स हैं जैसे कि प्लस टू और प्लस थ्री इन दोनों नंबर्स को अगर हमको ऐड करना हो तो हम कैसे करेंगे हम एब्सोल्यूट वैल्यूज जो कि है टू और थ्री इनको हम ऐड करेंगे और सिंबल कौन सा लगाएंगे बेटा हम प्लस फाइव राइट प्लस का सिंबल लगाएंगे क्योंकि हमारे पास दोनों नंबर्स में ही पॉजिटिव सिंबल है सिमिलरली अगर हमारे को माइनस थ्री और माइनस टू को प्लस करना हो या एड करना हो तो हम इसको कैसे करेंगे अगेन थ्री एंड टू और इसके साथ साइन कौन सा लगाएंगे माइनस का बिकॉज दिस इज द साइन विद बोथ द नंबर ओके गॉड एट नाउ कमिंग टू द एडिशन विद डिफरेंट साइंस जब हमारे को दो इंटेजर्स एड करने हो लेकिन साइन अलग अलग हो तब हम कैसे करेंगे लेट्स कंटिन्यू दिस माइनस थ्री और प्लस टू को अगर हमें ऐड करना हो तो हम कैसे करेंगे हम इसको करेंगे अगेन जो हमारे एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे जो कि आता है वन और सिंपल कौन सा लगाएंगे जो हमारे हायर नंबर के साथ होगा राइट right? तो आंसर क्या होगा हमारा माइनस वन सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देखते हैं साइन को उल्टा करके अगर हमारे पास प्लस थ्री है और इसमें हमें ऐड करना है माइनस टू यहाँ बीच में एडिशन का सिंबल लगा लेते हैं तो हमारा डिफरेंस क्या है बेटा वन और सिंबल कौन सा लगेगा जो हमारा हायर नंबर है बिगर नंबर जो है उसके साथ जो सिंबल है वो लगेगा गॉट इट तो हमारा आंसर क्या आएगा पॉजिटिव वन या प्लस ओके नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन पे चलते हैं जो कि है सब्ट्रैक्शन जब हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो सेकंड नंबर होता है जो डिफरेंस का सेकंड नंबर होता है उसका हम साइन चेंज करते हैं क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं ओके? Okay? और रूल्स तो वही फॉलो होंगे जो हमारे एडिशन के होते हैं चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम सेवर एग्जाम्पल हमारे पास दो नंबर हैं माइनस फाइव और क्या है प्लस थ्री ओके okay? अब माइनस फाइव में से मुझे प्लस थ्री माइनस करना है तो माइनस साइन क्या करेगा मेरा माइनस साइन मेरा प्लस थ्री का सिंबल चेंज कर देगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस फाइव माइनस थ्री ओके तो हम क्या करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड कर देंगे सिंबल क्या होगा हमारा माइनस का लगेगा क्या लगेगा माइनस का सो so, तो हमारा आंसर क्या आएगा माइनस एट एक और एग्जाम्पल देखते हैं से फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास प्लस सेवन है और द सेकेंड नंबर आई हैव प्लस ओके इन दिस केस हाउ विल विल वी वी डू इट हैव प्लस सेवन और माइनस साइन है तो इट विल चेंज माई इन व्हिच विल मेक इट माइनस टू एंड प्लस साइन प्लस सेवन And minus two will give me five. And what symbol will go along with it? It will be plus. The sign with the bigger number. Okay. So our number aaya? plus five, which is again an integer. Is it clear? Okay. Now coming to the next operation, which is multiplication. When we want to multiply two integers, rule is very simple. Hai. If both the integers have same sign. अगर दोनों इंटीजर्स में सेम साइन होगा तो रिजल्ट क्या होगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर एंड इफ द इंटीजर्स हैव डिफरेंट साइन द रिजल्ट विल बी नेगेटिव इंटीजर चलिए देखते हैं एंड वन मोर थिंग अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज अर्चना स्टडी पॉइंट डू हिट द सब्सक्राइब बटन ओके चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन के एग्जांपल्स सो so, सबसे पहले हम देखते हैं

अगर हमारे बोथ द इंटेजर्स हैव सेम साइन रिजल्ट विल बी पॉजिटिव एंड इफ द इंटेजर्स हैव डिफरेंट साइन देन द रिजल्ट विल बी नेगेटिव राइट ओके चलिए देखते हैं इसका सी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास प्लस एट है ओके एंड आई हैव टू डिवाइड दिस विद प्लस टू ओके सेम सिंबल तो आंसर क्या होगा मेरा टू फोर जार एट आई विल गेट फोर एंड अगर मेरे पास negative 20 है और इसको अगर मुझे करना 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 हो, से divide करना हो से divide करना हो, किससे बेटा? से तो आंसर क्या आएगा मेरा फाइव आएगा फोर फाइव ट्वेंटी और सिंबल क्या रहेगा यहाँ पे मेरा सिंबल रहेगा माइनस फाइव माइनस डिडेड बाई प्लस फोर विल गिव मी माइनस क्योंकि टू ऑपोजिट यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैंजर्स ओके हमारे पास बेसिकली ये प्रॉपर्टीज हैं जिनमें की इंक्लूडेड है क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कम्युटेटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी मतलब हमारी वो है क्लोजर प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी अगर आप दो इंटेजर्स को एड करते हो या दो इंटेजर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो जो आंसर आएगा आपका इट्स गोन अंतर ओनली क्या होगा आंसर आपका आंसर आपका इंतजर ही आएगा लेट्स सी दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल अगर मुझे थ्री प्लस फाइव करना हो तो आंसर क्या आएगा मेरा माय आंसर इज गॉन बी एट एंड एट इज वॉट एट इज ऑल्सो एन इंतेजर यस और नो यस सो एट इज ऑल्सो एन इंटेजर सिमिलरली अगर मैं दो इंटेजर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ

अब कम्युटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कम्युटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि इफ देर आर टू इंटेजर्स और मैं उनको एड कर रही हूं इफ आई एम एडिंग टू इंटेजर्स जो उनका रिवर्सल होगा जिसमें वो पोजीशन स्वैप करते हैं पोजिशन चेंज करते हैं वो भी सेम होगा ओके से प्लस बी अगर मैं करती हूँ तो बी प्लस ए भी सेम ही होगा एंड बल नहीं है ओके दिस इज समिंग टू रिमेंबर ये डिविजन में और सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है ओके okay? चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि थ्री प्लस सेवन विल बी इक्वल टू सेवन प्लस थ्री ओके विच इज टेन इन बोथ द केसेस सिमिलरली इफ आई गो फॉर थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर आई विल गेट द सेम रिजल्ट एज four multiply by three which इज twelve ओके बट क्या ऐसा सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में पॉसिबल है नहीं है

रिलेशनशिप कैसे फॉर्म होता है यहां पे एसोसिएशन कैसे फॉर्म होता है तीन थ्री यू नीड एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट बी इक्वल टू ए प्लस विद इन ब्रैकेट बी प्लस सी विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओके चलिए हम इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आई हैव थ्री नंबर्स टू प्लस फोर प्लस फाइव

मल्टीप्लाई बाई फाइव राइट यहाँ पे एसोसिएशन मैंने पहले दो नंबर का टू इंटेजर्स का फॉर्म किया है एंड देन इफ आई गो फॉर टू मल्टीप्लाई बाई फोर एंडल्ट मल्टीप्लाई विदिज आई विल गेट दिमिलर टू योर कम्युटेटिव प्रॉपर्टी सिमिलर टू योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल फॉर डिजन एंड सब्ट डिविजन और सब्ट्रैक्शन में भी पॉसिबल नहीं हैव एनी डाउट जस्ट इन केस अगर आपके पास कोई भी डाउट हो डू सेंड मी योर क्वेरीज थ्रू चैट ओके आई डेफिनेटली रिप्लाई टू इट ओके ओके नाउ कमिंग टू दॉपर्टी वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है बेटा इफ यू हैव थ्री इंटीजर्स अगेन इसमें भी आपका रूल है कि आपके पास थ्री इंटीजर्स होने चाहिए ए बी एंड सी इफ दीज आर द इंटीजर्स सो आपका ए पहले बी से मल्टीप्लाई होगा एंड देन ए आपका सी से भी मल्टीप्लाई होगा और आप दोनों रिजल्ट्स को क्या कर दोगे ऐड कर दोगे क्या कर दोगे ऐड कर दोगे और फिर प्रूव करोगे एलएचएस और आरएचएस आपका इक्वल आना चाहिए लेट्स सी दिस विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ फोर प्लस वन देन मैं कैसे करूंगी इसको फर्स्ट आई विल मल्टीप्लाई थ्री विथ फोर एंड देन आई विड थ्री मल्टीप्लाई बाय वन थ्री फोर ट्वेल्व प्लस थ्री ट्वेल्व plus 3 will give me 15 and the same goes here also 3 multiply by 4 plus 1 5 i'll get 15 so hence proved my lHS left hand side is equal to rhs this is our distributive property okay now coming to the next property we have the property of inverse okay which is additive inverse and multiplicative inverse Matlab,

और माइनस फाइव को अगर मैं ऐड करूंगी व्हाट विल बी द रिजल्ट द रिजल्ट इज वन बी जीरो वॉट विल द रिजल्ट द रिजल्ट विल बी जीरो एंड द सेम गोज फॉर वन एंड माइनस वन ए एंड माइनस ए एंड सो ऑन राइट नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ओके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का क्या है मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स क्या है डिविजन सो इफ आई हैव फाइव वॉट विल बी द इनवर्स ऑफ फाइव इट विल बी इफ आई मल्टीप्लाइड विथ

चेंज नहीं करते हैं वैल्यू चेंज नहीं करते हैं और ये किस में होता है अगर आप किसी भी गिवन से फॉर के साथ अगर आप जीरो तो नहीं इट विल बी फाइव सिमिलरली सिक्स के साथ अगर आप जीरो हो तो क्या इंटरजर वैल्यू चेंज करेगा नो इट विल रिमेन सिक्स ओनली ओके एंड इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन इफ आई मल्टीप्लाई फाइव विद वन I will get 5 only 6 with 1 I will get 6 only okay so this rule is applicable for 0 and 1 in case of identity property okay I hope your introduction chapter apna clear hai. similarly in our next class we are going to start with our exercise 1 of our chapter 1 integers okay see so in the next video very soon and if you have any questions please do let me know in the comment section okay Thank you so much. Bye bye and take care.